स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि अगर आपको किसी पैराबोला की लेटेस्ट एक्टम का लेंथ लेंथ फाइंड करना है तो जस्ट इन सेकंड हम उस ऑफ को किस तरीके से फाइंड करेंगे बिना किसी कैलकुलेशन के, ओके? तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सपोज आपके पास पैराबोला की इक्वेशन गी वन है लेंथ ऑफ लेटेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर

लेंथ ऑफ क्टम फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मुले का यूज कीजिए कॉफिशियंट ऑफ वाई अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स सिमिलरली अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन है वो सेकेंड फॉर्म इस तरह से गिवन है पैराबोला पी वाई स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर वाई प्लस एस इक्वल टू जीरो फाइन करना है लेटर एक्टम तो इस केस में हम यहां पर फॉर्मुला यूज करेंगे कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन फिशंट ऑफ वाई स्क्वायर ठीक है याद कैसे रखेंगे अगर आपको एक्स स्क्वायर गी वन है तो डिनोमिटर में आप यूज करेंगे स्क्वायर का कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर और जब वाई स्क्वायर आपको गी वन होता है तो न्यूमरेटर में कॉफिशेंट ऑफ एक्स और जब आपको एक्स स्क्वायर गी वन होगा देन न्यूमरेटर में हम यूज करेंगे कॉफिशियंट ऑफ वाई इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चंस को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं यस फाइंड द द फाइंड लेंथ ऑफ लिटेस एक्टम ऑफ द पैराबोला हमें यहां पर जो पैराबोला है वह इस फॉर्म में गी है ये पैराबोला की इक्वेशन है अब हमें यहां पर इस पैराबोला की लेटेस्ट एक्टम का लेंथ फाइंड करना है हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे ट्रिक से फाइंड करते हैं ठीक है देखिए तो इसका ट्रिक यहां पर क्या होगा लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम इज इक्वल टू मॉड्यूलस पहले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एंड द फॉर्मूला इज कॉफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में एंड न्यूमिनेटर में हम लिखेंगे कॉफिशंट ऑफ एक्स तो यहां पर एक्स का जो कॉफिशियंट है वो आपको कितना गी वन है ट्वेल्व दिस इज द कॉफिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है वह आपको फोर गी वन है देन थ्री विल बी द करेक्ट आंसर देन थ्री विल बी द करेक्ट आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन जस्ट इन फाइव सेकेंड हम यहां पर इस पैराबोला की लेटेस्ट एक्टम का लेंथ फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस शॉर्ट ट्रिक ओके वन मोर एग्जांपल। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम ऑफ द पैराबोला टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो द लेंथ ऑफ लेटर एक्टम इज इक्वल टू मॉड्युलस अब देखिए यहां पर आपको एक्स स्क्वायर गि वन है तो हम यूज करेंगे डिनोमिनेटर में कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए न्यूमिनेटर कॉफिशियंट ऑफ वाई ओके नौ मॉड्युलस कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एंड द कॉफिशियंट ऑफ वाई इज माइनस वन

Y is equal to x tan alpha minus g x square upon 2 u e square cos square alpha अब आपको यहां पर ये जो पैरा बोला है इसके लेटर सेक्टम का लेंथ फाइंड करना है ओके चलिए नाउ द फॉर्मूला इज लेटर सेक्टम मॉडुलस आपको यहां पर गिवन है एक्स स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर गी है देन फॉर्मूला विल बी कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर And in numerator, coefficient of y. Now the coefficient of y is. Now the coefficient of y is one, and the coefficient of x square is minus z upon two u square cos square alpha. This is the coefficient of x square. Now after simplification, the final answer is two u square cos square alpha. अपन जी इज द करेक्ट आंसर दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला सो विच ऑप्शन इज करेक्ट सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी इज द करेक्ट आंसर इस तरीके से हम यहां पर किसी भी पैराबोला के लिए उसके लेटस एक्टम का लेंथ फाइन कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस शॉर्ट ट्रिक ठीक है विदाउट एनी कैल्कुलेशन और फाइव सेकेंड में किसी भी पैराबोला के लिए जिस फॉर्म में गिवन होते हैं आप उनके लिए लेटर सेक्टम का लेंथ फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके की और भी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की और भी शॉर्ट ट्रिक्स हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच